पिछले माह थाना नंदगांव क्षेत्र में एक ट्रक जिसमें करीब 956 पेटी एवरेडी टॉर्च और उसके बल्ब लोड थे, यहां से रोहतक के लिए उसको जाना था। ट्रक माल समेत गायब हो गया था, जिसके संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया। उसी घटना का आज खुलासा हुआ है। इसमें देखा जाए तो कुल 6 अभियुक्त शामिल थे पूरी घटना में। 3 की गिरफ्तारी हो गई है और करीब 268 पेटी इनका जो एवरेडी बल्ब और टॉर्चेज है वो बरामद हुई है। अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना का जो इसमें सूत्रधार है वो अभी नहीं मिल पाया, उसकी तलाश की जा रही है। और माल उसने कहाँ पे बेचा है उसके मिलते ही और माल की इसमें बरामदगी होगी। एक अभियुक्त जिसने ट्रांसपोर्ट में गाड़ी लगाई थी वो सातिर किस्म का अपराधी है और उसने पहले भी इस तरह की घटनाएं की है। इसमें अन्य कौन कौन शामिल है उसके बारे में भी विवेचना की जा रही है। इस तरह का माहौल था और जो घटना की उन्होंने तारीफ की थी, पूरी पूरी प्लानिंग, किस तरह प्लानिंग की थी उन्होंने और क्या इनका वो देर वो रात वो किस तरह घटना को अंजाम दी। इन्होंने एक ट्रांसपोर्टर से बात की कि हमारे पास भी गाड़ी है, अगर कहीं गाड़ी की आवश्यकता हो, कहीं गाड़ी लगानी हो तो लगा दीजिए। ट्रांसपोर्टर ने इसी आधार पर इनको बता दिया कि एक यहाँ पे आरके कार्डिंग कंपनी है जिसका माल रोहतक जाना है और वहाँ पे लोड करने के लिए इनकी गाड़ी भेज दी। वहाँ पे कुल 956 पेटी स्टॉक इस पर लोड हुआ और वो गाड़ी सहित लेकर गायब हो गए। इनका जो इसमें अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर जिसने गाड़ी लगाई थी उसको भी इनका इनको वेरीफाई करना चाहिए थे, जो उसके द्वारा नहीं किया गया। और इस तरह से इन्होंने मोबाइल के आधार पे बुकिंग करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वो जो माल इसमें गायब हुआ था उसको अगर देखा जाए तो उसकी कीमत उनके द्वारा करीब 65-67 लाख बताई गई।